वेलकम टू हेल्थ रैम्बो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले अंडाशय में गांठ, जिसको इंग्लिश में ओवेरियन सिस्ट भी बोलते हैं, ये औरतों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। एक स्टडी में पाया गया हर चार में से एक औरत इससे पीड़ित है। ये आपने अपने आसपास में, पड़ोस में ये बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा और इसके बहुत सारे पेशेंट आपने देखे भी होंगे। आइए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं डिटेल में इसके बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण है, कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए, क्या इलाज अवेलेबल है और कौन कौन इससे पीड़ित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वजाइना, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी। उसके बाद एंडोमेट्रियम। दोस्तों, नॉर्मल साइकिल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो स्पर्म्स, जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना के जरिए और सर्विक्स को होते हुए यूट्रस तक जाते हैं। अगर वहाँ पर एग्स अवेलेबल होता है तो एग्स का स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, जिससे जाइगोट बनता है और उसके बाद फीटस डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर फंक्शन है वो है ओवरी का। दोस्तों, डिस्कस करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी के दो काम होते हैं। पहला होता है कि एग्स को प्रोड्यूस करना। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक या उससे ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा काम होता है हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करना। हॉर्मोन्स में मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को टाइमली रेगुलेट करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद ये फीटस को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अगर हम ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मल में क्या होता है कि हर 14वें दिन ओवरी जो है एक एग प्रोड्यूस करती है। और अगर हम इसमें सिस्ट वाली ओवरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एग्स जो है ना प्रॉपर साइज का नहीं बनता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में दो बार या तीन बार आता है, या हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आए भी नहीं। इसके कारण जो होते हैं, पहला PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, और दूसरा जो कारण ओवेरियन सिस्ट का होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है। दोस्तों, अगर ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो इसके लक्षण सबसे ज़्यादा दर्द होता है इसमें, दर्द पेट क्षेत्र में, दर्द पीठ के निचले हिस्से में, दर्द ड्यूरिंग इंटरकोर्स, दर्द या ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द टॉयलेट्स दर्द महसूस होना, या बहुत ज़्यादा सूजन। दूसरा लक्षण इसमें होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना मासिक धर्म के दौरान, या बिल्कुल ब्लीडिंग ना होना। तीसरा जो कारण है वो ब्रेस्ट पेन होना, उल्टी का लक्षण होना या उल्टी की तरह महसूस करना, चक्कर आना, तेजी से सांस लेना और बुखार होना। तेजी से सांस लेना और बुखार जनरली तब होता है जब सिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ साथ में शरीर के वजन में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होना। इसकी जांच के लिए सब बेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में गांठ के बारे में पता चल जाता है। अगर गांठ में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उसके लिए CT स्कैन कराया जाता है। अगर लेबोरेटरी लैब टेस्ट की बात करें तो डॉक्टर इसमें चार तरीके के टेस्ट करवाते हैं। पहला होता है हार्मोन टेस्टिंग, दूसरा TB की टेस्टिंग, तीसरा ओवेरियन कैंसर की टेस्टिंग, और चौथा जो होता है सर्वाइकल कैंसर की टेस्टिंग। इससे ये रूल आउट होता है कि गांठ किस तरीके की है, हार्मोन की है, TB की है, ओवेरियन कैंसर की है या सर्वाइकल कैंसर की है। जांच में जो भी चीज़ पॉजिटिव आती है ट्रीटमेंट उसी अनुसार होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज 8 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इनिशियल स्टेज में हार्मोन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी ग्लोबली एक्सेप्टेड है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ये किस किस को हो सकता है दोस्तों? तो इसकी जो संभावना,
इसकी संभावना सबसे ज्यादा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होती है जो 45 इयर्स या उससे ज्यादा जिनकी उम्र होती है, और जिन लेडीज की हिस्ट्री पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की होती है उनमें ये पहले हो सकता है। एक और बात है, ये किसी में भी हो सकता है, बट जनरली ये पाया गया है कि जिनकी एज 45 से ज़्यादा होती है उसमें इसकी संभावना होने की ज़्यादा होती है। सो अच्छी बात दोस्तों इसमें यह है कि जो ओवेरियन सिस्ट होता है बिनाइन नेचर में होता है, मीन्स अगर इसका टाइम रहते इलाज किया जाए तो 100% इसमें लाइफ पॉसिबल होती है, बट अगर इसका टाइमली इलाज नहीं किया जाता है तो ये मेटास्टेटाइज हो जाता है, मतलब शरीर के दूसरे भागों में फैल जाता है, जिस वजह से पेशेंट की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इसका आप बचाव कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको 3 टेस्ट साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। पहला होता है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, दूसरा होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और तीसरा LBC टेस्ट। सो इससे आप रूल आउट कर सकते हैं कि शरीर में अगर आपके ओवरी में कोई अगर एबनॉर्मल स्वेलिंग वगैरह है तो अल्ट्रासाउंड से रूल आउट हो जाएगा। उसके साथ साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी तथा दूसरे और भी ब्लड डिसऑर्डर के बारे में बताता है, तथा LBC टेस्ट आपको सर्वाइकल कैंसर से भी बचाता है। सो ये 3 टेस्ट आप ज़रूर करवाइए साल में एक बार। सो अगर वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप और चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी बताइए। सो जैसा मैंने कहा, अगर आप इसको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रिंग बेल भी बजाइए जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। विद दिस थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड हेल्पिंग अस इन मेकिंग द वर्ल्ड कैंसर फ्री। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।